नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। मुंडन कार्यक्रम में आए दो युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से हुई मौत। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के अंतिम चौक थाना के अंतर्गत मुंडन कार्यक्रम में आए दो युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। यह तीनों गंगा में नहाने आए थे, डूबने से तीनों की मौत हो गई। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। बहुत बड़ी दुखद घटना है और ये क्षेत्र भी पीरपैंती विधानसभा के अंतर्गत है, लेकिन ये गंगा घाट जो पड़ जाता है बटेश्वर स्थान से नीचे, ये राजा प्रखंड के अंतर्गत आता है। लेकिन आज जब हम लोग जाने की नौ घटना 50 दिन में नौ घटना हो चुका है, ये दिल को झकझोर दिया कि इस घटना से सभी लोग मर्माहत हैं। हम लोग आज आश्वस्त करते हैं कि आने वाले जितनी जल्दी हो जल्द समय में इस घाट पर रिटर्न में एक बोर्ड बनवा के प्रशासन के द्वारा यथाशीघ्र चाहेंगे कि एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस क्षेत्र के आगे 10 कदम 5 कदम के बाद गहराई खाई है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग प्रवेश ना करें। हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज के बाद इस तरह का घटना नहीं होगा। घटना की पुष्टि कहलगांव सीओ रामावतार यादव ने कर दिया है। मृतक में रोहित कुमार उम्र 22 साल, राहुल कुमार उम्र 20 साल, दोनों के पिता विष्णुदेव राय हैं। तीसरे मृतक जो कि नाबालिग हैं, उसका नाम शिव कुमार उम्र 14 साल, पिता संतोष राय हैं। यह तीनों पीरपैंती के टोपरा दियारा के रहने वाले थे। यह लोग बटेश्वर मुंडन कार्यक्रम में आए हुए थे। इस संबंध में पूछे जाने अंतिचक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि तीनों के परिवार वाले घटनास्थल पर आ रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।